सागर जिले के दियोरी जनपद के ग्राम पंचायत पेपरिया जेतपुर में पदस्थ शासकीय सचिव और उनके परिजनों की दबंगता से पूरा गांव परेशान है। जहां सचिव महेंद्र सिंह के पंचायत के विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जाती, तो वहीं जो काम ग्राम पंचायत में विकास की दृष्टि से कराए जाते हैं उसमें भी उनका बेटा जुआ की आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके द्वारा भी अड़चन उत्पन्न कर अपनी दहशत के बल पर ग्रामवासियों को लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत का विकास ठप पड़ा है। सचिव के बेटे के द्वारा अनैतिक गतिविधियों के माध्यम से भी गांव का माहौल खराब हो रहा है, जिसके संबंध में कई बार थाना पुलिस को आवेदन भी दे चुके हैं। ग्रामवासियों ने कार्यवाही की आवाज भी मुखर कर चुके हैं, लेकिन अपने रसूख और धन बल राजनीतिक पकड़ के चलते उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो वहीं सचिव की उदासीनता से गाँव का विकास भी प्रभावित बना हुआ है, जिसके खिलाफ भी जिला CEO से लेकर कलेक्टर तक को शिकायत कर उन्हें हटाने की मांग रख चुके हैं। ग्रामीण मंगलवार को एक बार पुनः सरपंच लेखन सिंह के साथ ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन से कर सचिव और उसके पुत्र के आतंक से ग्रामवासियों को निजात दिलाने की आवाज उठाई है। सरपंच की माने तो सचिव की पत्नी पूर्व में ग्राम पंचायत की सरपंच भी रही है, जिनके कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ है जो उजागर नहीं हो। इसके लिए भी सचिव और उसका बेटा मिलकर ग्रामवासियों को परेशान कर रहा है और चुनावी रंजिश के कारण वह उन्हें भी परेशान कर काम नहीं करने दे रहे, जिससे ग्राम का विकास ठप है। लोग परेशान है और इन लोगों पर उचित कार्यवाही और इसकी मांग रख रहे हैं। हम बड़ी देवरी के पास जेतपुर पिपरिया, मैं सरपंच हूँ वर्तमान, लेखन सिंह राजपूत मेरा नाम है। महेंद्र सिंह उर्फ गब्बर, उनका पुत्र विक्रम सिंह, बहुत ज़्यादा उत्पात कर रहा है पंचायत में। कौन काम करा था सो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हैं, और पूरे गांव वासी बहुत परेशान है। खूब दारू बेच रही है, अखंड दारू बिक रही है, हैं, और बरहम इस रिवाल्वर लेके गुंडागर्दी करता थे और आए न आए देख एक दो आदमो हो कहा गरीब आदमो रोज को मारत रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहा है यहाँ बिगड़। पुलिस में शिकायत, देवरी में शिकायत भी की, आज हम कलेक्टर साहब हों ये तो जन सुनवाई में आवेदन दे भी आए हैं, SP साहब के भी जाएंगे। शुरू से है गुंडागिर्दी चलते ही है उनकी, ऊट पटांग कमाई करने खूब दो नंबर के काम चल रहे हैं। बर हमें वो तो दबंग आई बताते है और कहा है हमसे लड़ी इनकी दर बदनी सरपंच जी को, और हम जब से सरपंच बने हैं रंजस बनाए हैं रंज, और बहुत दिन से वो कुछ नहीं अपन कह रहे हैं, अपन बहुत महान किसी के संगे आज तक 50 साल की हमारी उम्र किसी को रिकॉर्ड अपना कहीं से कहीं तक कोनो गांव में या पंचायत के कार्य में किस प्रकार से दखलंदाजी कर रहे हैं, कर नहीं देते या कौन कहा है इसके जिस चुनाव लड़ा तो दूसरे को भी चुनाव हार गए वो तो, और वहीं का निवासी है, वहीं इनकी 14-15 में 2022 तक इनकी पत्नी सरपंच रही हैं और अनुमत्ता हैं बहुत कुछ, इनने पैसा निकाल रहे हैं ज़्यादा मूलांकन से ज़्यादा पैसा निकाल रहा, समुदाय भवन बनो, टैंकर बेच लो इनने सांसद नीति को, प्लेटन स्टाफ डैम की पाइप लाइन नल योजना की 2.5 इंची पाइप एलुमिनियम वाले। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं ये तो राजनीतिक हैं, पहले तो कांग्रेस ही आए जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े। अब जब इतनी इनकी दबंगता है और आप लोग कानून में इस तरह का भी इनकी शिकायत है, सुनाई क्यों नहीं हो रही, क्या लगता? कानून में जिला पंचायत में हम 3-4 बार आवेदन दिया, जिला सीओ के दे आवेदन दे रहा हूँ और पंचायत सीओ के आवेदन दिया, यहाँ कलेक्टर भी के, पहले कलेक्टर अब तो दूसरे आ गए कलेक्टर साहब, पहले कलेक्टर साहब के भी दे गए, सब मंत्रियों सब के कह गए इसकी दबंग आई है बहुत पाई संभाला है। क्या चाह रहे हैं बाबा भी जैसा चाह रहे हम जा चाह रहे हैं कि जैसे ट्रांसफ़र हो जाए अपन तो शांति चाहत के है ट्रांसफ़र हो जाए, उन पर कान से कड़ी कार्रवाई हो, एक से एक दिन किसी को किसी पर हाथ प्रतिदिन उठता है। ट्रांसफर वो कोई पद पे है क्या सर? सचिव है उनके, हाँ विक्रम सिंह को पिता महेंद्र सिंह सचिव है। ठीक, हमारी पंचायत जो है न बाजार में आदमी आ सकता है, हमारे मजदूरों से काम कराते हैं, गाली देता है पैसा नहीं देता है, प्रतिदिन एक दो को मारता है और कट्टा 24 घंटा जेब में रहता है, गाड़ी है तो कहो गाड़ी सामने अड़ा दे गए, बहुत आतंकवाद है इसका। वो क्या बोलते हैं विक्रम सिंह किस पद पे है? उसका पद कोई नहीं, उसका बाप है सचिव।